हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कतर में रहते हैं तो दोस्तों कतर की अभी तक की न्यूज़ हिंदी में मैं आपको बता दूं। आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार फिर से आपसे गुजारिश है, नर्म निवेदन है दोस्तों कि आप लोग चैनल पे आगे बढ़ें उससे पहले कतर की पल पल की अपडेट पल पल पाने के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी वाला बटन दबा दो। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, 2-4 मिनट का वीडियो होता है, उसमें भी आप फट हो जाते हो, काम की चीज़ें रह जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की ओर। सबसे पहला न्यूज़ दोस्तों, कैबिनेट ने डिसाइड किया हुआ है, निर्णय ले लिया है। क्या निर्णय लिया है दोस्तों? ऑल सिटीजन एंड रेसिडेंट्स आर ऑब्लिगेटेड नॉट टू हैव मोर देन 2 पीपल इन द व्हीकल व्हाइल ट्रैवलिंग और गो आउट। जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे या कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वाहन में 2 आदमी से ज़्यादा या 2 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। लेकिन रुको, 3 भी बैठ सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं वो भी देख लीजिए दोस्तों। ए मैक्सिमम ऑफ 3 पर्सन्स आर अलाउड इन द फॉलोइंग केसेस। 3 आदमी भी बैठ सकते हैं, 3 लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन शर्तें क्या रहेगी? ट्रैवलिंग इन प्राइवेट व्हीकल ड्राइविंग बाय अ फैमिली मेंबर। अगर एक परिवार का एक आदमी गाड़ी चला रहा है, पर्सनल गाड़ी, खुद की गाड़ी है, तो 3 लोग बैठ सकते हैं दोस्तों। ये तो एक शर्त हो गई। दूसरी शर्त, ट्रैवलिंग इन टैक्सी एंड लिमोसिनेस। अगर ट्रैवलिंग आप शेयरिंग के ऊपर कर रहे हैं या टैक्सी में कर रहे हैं, तब भी 3 लोग बैठ सकते हैं। ये 2 शर्तें रहेगी। रुकिए और भी नीचे देखिए दोस्तों, व्हीकल मिनिस्टर ने ये जारी किया है दोस्तों, डिक्लेरेशन, लेकिन इसमें छूट दी गई है, एक्सेप्शन किसके लिए? एम्बुलेंस के लिए। एम्बुलेंस के लिए ये शर्तें लागू नहीं है। और दूसरा, व्हीकल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सिक्योरिटी एंड मिलिट्री अथॉरिटीज़, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी गाड़ीज हैं, जो भी वाहन हैं, उनके लिए लागू नहीं है ये नियम। उस मतलब उसके लिए अलग से नियम है कतर गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए दूसरा न्यूज़। कतर में दूसरा न्यूज़ ये आ रहा है दोस्तों, छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। डिसीजन टू सस्पेंड ऑल कॉमर्शियल एंड सर्विस एक्टिविटीज ड्यूरिंग ईद उल फित्र हॉलीडे विद द एक्सेप्शन ऑफ स्पेसिफाइड सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज़। ईद उल फित्र की छुट्टी का ऐलान हो गया है, जिसकी वजह से जितने भी धंधा वाले, बिजनेस वाले, सारे कामकाज हैं या सर्विस एक्टिविटी है, सेवा वाले कामकाज हैं, वो सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है। कब से कब तक दोस्तों? सेल बी इफेक्टिव फ्रॉम 19 मई से लेकर 30 मई तक। 19 मई से लेकर 30 मई तक सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें चालू रहेगी जो कि नीचे के अनुसार है, मैं बता दूँ। देखिए, नज़र मार लीजिए, फूड एंड कंज्यूमर गुड सेक्टर, खाना और कंज्यूमर के जो सामान वाले सेक्टर है, वो चालू रहेंगे दोस्तों। जैसे कि बेकरी हो गई, कन्फेक्शन शॉप हो गया, रेस्टोरेंट हो गए। रेस्टोरेंट भी कौन से दोस्तों? डिलीवरी के लिए, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के लिए। शॉप सेलिंग वेजिटेबल, फूल और सब्जी जो बेचते हैं, वो चालू रहेंगे। उसके अलावा हेल्थ सेंटर के, जैसे फार्मेसी, मेडिकल स्टोर हो गए, क्लिनिक हो गए, हॉस्पिटल की दुकानें हो गई, ये सब हॉस्पिटल हो गए, ये चालू रहेंगे। उसके अलावा दोस्तों, फैक्ट्रीज इन ऑल इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्री है वो चालू रहेगी। कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनीज, ये चालू रहेंगी दोस्तों। मेंटेनेंस कंपनी जो मेंटेनेंस करती है, जैसे कि प्लम्बिंग हो गया या इलेक्ट्रिकल सर्विस हो गया या एसी सर्विस हो गया, ये सब चालू रहेगी। उसके अलावा देखते रहिए और भी दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर कतर सेंट्रल बैंक सर्कुलर, कतर सर्कुलर बैंक के अनुसार जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि बैंक हो गए, ये भी चालू रहेंगे। उसके अलावा टेलीफोन डिपार्टमेंट, ये चालू रहेगा दोस्तों। कंपनीज डिलीवरी ऑर्डर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, जो आप ऑनलाइन बुक करते हैं उसका, इलेक्ट्रिक का सामान जो डिलीवरी करती है गाड़ियाँ, वो चालू रहेगी। कंपनी जो हॉस्पिटल के साथ जिनका टाई अप है, जो हॉस्पिटल का सामान ले जाते हैं, पेशेंट को ले जाते हैं, कोई चीज़ हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ भी है, वो चालू रहेगा। साथ में लॉजिस्टिक सर्विस कंपनीज एंड फर्म ऑपरेटिंग इन एयरपोर्ट एंड पोर्ट्स, जो बंदरगाहों के ऊपर, हवाई जहाज़ के ऊपर आना जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, वो चालू रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा पेट्रोल स्टेशन चालू रहेंगे, कार को मेंटेनेंस करने वाले सब जो रिपेयर करते हैं, वो सब चालू रहेंगे। इसके अलावा अगर भी आपको फिर भी कोई तकलीफ आती है, तो फ़ोन नंबर है दोस्तों +97466111400। इस फ़ोन नंबर पे आप पूछ के अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है दोस्तों, उसके अलावा जैसे कि मैं बोला और भी है, तो जितने भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ वाले हैं, जिसका लिस्ट में नाम नहीं है, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। 19 मई से लेकर 30 मई तक पूरी छुट्टी का ऐलान किया गया है। इससे रिलेटेड कोई भी वायलेशन होता है, कोई भी उल्लंघन होता है, उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और सामान को, फैक्ट्री को, कंपनी को, या कुछ भी हुआ, उसको सीज किया जाएगा। और उसके सीज करने के बाद जो भी आगे की कार्रवाई होगी, फिलहाल सीज हो जाएगा, लेकिन कार्रवाई
30 तारीख के बाद ही होगी दोस्तों। इस डिसीजन को 18 तारीख को लिया था, लेकिन ये आज मैं आपको सोचा बता दूं दोस्तों पूरा लिस्ट के साथ। जब तक पक्का न्यूज़ नहीं आता है तब तक मैं आपको नहीं बताता हूँ, ये ऑफिशियल न्यूज़ आ गया। चलिए अगली न्यूज़ की ओर दोस्तों। सब कुछ बंद होने का ऐलान हो गया, लेकिन एक प्रेस रिलीज जारी करके कतर गवर्नमेंट ने बताया है सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन दोस्तों 19 मई से लेकर 28 मई तक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो चालू रहेगा, और उसका कामकाज करने का समय सवेरे 8 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक रहेगा। प्रेस रिलीज करके कतर गवर्नमेंट ने इसको बताया है दोस्तों, क्लियर है। इसके अलावा अगर कुछ भी होता है, देखिए दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अर्ज द पब्लिक टू टेक एडवांटेज ऑफ इट्स ऑनलाइन सर्विस थ्रू द मेट्रस 2 मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप है मेट्रस 2। अगर आपको कोई भी दुविधा होती है आप इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, या फिर ये वेबसाइट है www.moi.go.qa, इस पर जाकर आप अपनी दुविधा को बयान कर सकते हैं। ये रहा गवर्नमेंट का आईडी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगली न्यूज में चलते हैं दोस्तों। सब कुछ बंद रहेगा दोस्तों, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में चालू रहेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में जो शॉप है, दुकानें, कारखाने, गैरेज, वो सब चालू रहेंगे। तो उनकी छुट्टी कब होगी? तो उनके लिए भी नियम बना दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट लेबर एंड सोशल अफेयर ने, आज डिक्लेयर कर दिया। ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ दोस्तों, मंडे को डिसाइड किया था लेकिन डिक्लेयर हो गया, सेंक्शन हो गया। ईद उल फित्र की छुट्टी जो होगी वो डिक्लेयर हो गई है दोस्तों। वो कब कितने दिन रहेगी? 3 दिन की छुट्टी रहेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात, खुशी की बात क्या रहे, ये फुल्ली पेड हॉलीडेज देगा, मतलब इसकी सैलरी आपकी पगार में से नहीं कटेगी, इसका सैलरी भी मिलेगा। भले इस दिन छुट्टी रहती है लेकिन इसका आपको सैलरी मिलेगा दोस्तों। ये नियम कतर गवर्नमेंट का ही नियम है, आर्टिकल 74 दोस्तों, बिल्कुल बहुत बड़ा खुशी की बात है। छुट्टियां मनाओ दोस्तों, लेकिन वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करो और वीडियो पूरा देखा करो। अगली न्यूज और चलते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ थोड़ा लंबा है दोस्तों, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे। फिलहाल वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।